नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारी लैब फॉर्मर मशीन होती है उसका प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो लैब फॉर्मर मशीन होती है उसको रिबन लैब मशीन भी बोलते हैं और उसको स्क्राइबर लैब मशीन भी बोलते हैं। तो गाइज, किसी भी स्क्राइबर लैब मशीन का या लैब फॉर्मर मशीन का प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। तो गाइज, जब भी किसी भी मशीन का प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है तो उसके लिए हमें कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने वो डेटा दिए हुए हैं। देखिए, डेटा रिक्वायर्ड में लैब डिलीवरी रोलर स्पीड 120 मीटर पर मिनट, लैब वेट पर मीटर 65 ग्राम्स पर मीटर, एफिशिएंसी 75%, शिफ्ट आवर्स 8 आवर, मशीन प्रोडक्शन पर 8 आवर पर डिलीवरी। तो हमें ये कैलकुलेट करना है गैस। तो जो हमारी लैब फॉर्मर मशीन होती है उसका प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के गैस जो तरीके होते हैं वो होते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो आपको लैब का वेट दिया हो पर मीटर में, या आपको जो लैब प्रोड्यूस हो रहा है उसका हैंक दिया हो। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अपनी लैब फॉर्मर मशीन का प्रोडक्शन, यदि आपको लैब वेट पर मीटर दिया हो ग्राम में, या आपको लैब का हैंक दिया हो न्यू इंग्लिश काउंट में। तो दोनों तरीके मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। गाइस, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए अंत तक। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि हम वेट पर मीटर है उसको यूज करते हुए आपकी जो लैब फॉर्मर मशीन है उसका प्रोडक्शन निकाल के दिखा रहे हैं फर्स्ट मेथड में। तो ये फर्स्ट मेथड है। यहाँ पे देखिए, P इज इक्वल टू सरफेस स्पीड ऑफ LDR, तो LDR का मतलब है लैब डिलीवरी रोलर, ये मीटर्स पर मिनट में है, इंटू 60 इंटू 8 इंटू लैब वेट पर मीटर इंटू एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई 100। तो ये केजी में प्रोडक्शन देता है गाइस। अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको, 60 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि ये जो सरफेस स्पीड है लैब डिलीवरी रोलर की वो आपकी मीटर्स पर मिनट में है। तो 60 का मल्टीप्लाई करते ही ये आपकी एक आवर की हो जाती है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आवर की हो जाती है। और ये जो आपका लैब वेट पर मीटर है आपको डेटा में दिया हुआ है, एफिशिएंसी आपको रिक्वायर्ड डेटा में दी हुई है। 1000 का डिवाइड इसलिए करते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है तो वो ग्राम में वजन देगा, तो हम 1000 से भाग देके इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। और 100 से डिवाइड इसलिए किया है कि जो आपकी एफिशिएंसी परसेंट में होती है इसलिए 100 से डिवाइड किया जाता है। तो गाइस, अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं सारी। ये देखिए, सरफेस स्पीड ऑफ LDR, तो यहाँ पर रख दी 120 मीटर पर मिनट इंटू 60 इंटू 8 इंटू 65। तो 65 आपका क्या है, लैब वेट पर मीटर है ग्राम में। और गाइस, ये 75 क्या है, ये आपकी एफिशिएंसी परसेंट में डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 100 इन केजी में आएगा। और गाइस, जब हम पूरे इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है आपका 2808 केजीस पर डिलीवरी पर 8 आवर। तो गाइस, ये तो तरीका था यदि आपको लैब का वेट पर मीटर दिया हो ग्राम में, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे किसी भी लैब फॉर्मर मशीन का प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए। अब यदि आपको कहीं पर लैब का हैंक दिया हो कि जो हैंक प्रोड्यूस हो रहा है लैब फॉर्मर के अंदर, तब आप कैसे अपने लैब फॉर्मर मशीन का प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने लैब वेट पर मीटर की जगह पे हमने दिया है लैब हैंक, इफ लैब हैंक एनी इज गिवन। तो यहाँ पर लैब हैंक दिया हुआ है, तो लैब हैंक एनी में कितना है, 0.00908 न्यू इंग्लिश काउंट में है गाइस। अब हम इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है प्रोडक्शन पी इज इक्वल टू सरफेस स्पीड ऑफ LDR इन मीटर्स पर मिनट इंटू 60 इंटू 8 इंटू 0.59 इंटू एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय लैब हैंक इन एनी डिवाइडेड बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो ये केजी में देता है आपका प्रोडक्शन गाइस। इसमें आपको मैं बता देता हूं, जैसे ऊपर था कि ये मीटर्स पर मिनट में है सरफेस स्पीड, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर आवर हो जाएगी, और इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेप्ट हो जाएगी, मतलब 8 आवर की हो जाएगी। 0.59 इसलिए है कि लेंथ वेट और काउंट का जो रिलेशन होता है उसके अंदर 0.59 एक कांस्टेंट होता है, और इनटू एफिशिएंसी तो आपको दी हुई है, और डिवाइडेड बाय लैब हैंक, लैब हैंक भी दिया हुआ है, और 1000 से भाग इसलिए देते हैं
कि आपका जो प्रोडक्शन ग्राम में आता है फॉर्मूला देता है तो 1000 से भाग देते हैं तो केजी में आ जाता है, और 100 से भाग इसलिए देते हैं कि आपकी एफिशिएंसी परसेंट में दी हुई है। तो गाइस अब हम इसमें सारे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये सरफेस स्पीड ऑफ एलडीआर तो यहाँ पे 120 रख दी, और ये 60 × 8 × 0.59 × 75 ये आपकी एफिशिएंसी है, डिवाइडेड बाई 0.00908 ये आपका लैफ हैंक है, और डिवाइडेड बाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई 100 तो ये केजी में आता है आपका। और गाइस जब हम इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपका निकल के आता है 2807.04 केजीस पर डिलीवरी पर 8 आवर। तो इस तरीके से गाइस मैंने आपको दोनों तरीके से बताया कि लैब फॉर्मर मशीन का प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि आपको लैब वेट पर मीटर दिया हो या आपको लैब हैंक दिया हो, तो आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी लैब फॉर्मर मशीन का प्रोडक्शन। तो गाइस देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।